so many pieces all back together now. What's your vision? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll. Hello, friends, welcome to my channel Fashion Ornate, and my name is तो आज का जो लुक है ये स्पेशली है रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है एंड हर जो लड़की हर जो बहन है वो रेडी होने के लिए है, एकदम रेडी। एंड ये शॉपिंग भी सबकी स्टार्ट हो गई, मैंने भी स्टार्ट कर दी है एंड रक्षाबंधन तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रक्षाबंधन है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल। तो जो गर्ल्स होती है भले वो कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, बट रक्षाबंधन वाले दिन वो ट्रेडिशनल ही रेडी होती है, ट्रेडिशनल ही कपड़े लेती हैं और फुल ऑन मेकअप वगैरह झुमकी वगैरह जो भी होता है वो सब ट्रेडिशनली होता है। एंड हम गर्ल्स को पसंद भी होता है, भले हम क्यों ना कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, बट यस अगर हम लोग इंडिया में हैं और अगर इंडिया से बाहर भी लोग रहते हैं तो उनको जो होता है फेस्टिवल पे ट्रेडिशनली वे में ही रेडी होना अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है, मोस्टली सबको अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये लुक क्रिएट करा है रक्षाबंधन के लिए एंड आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा होगा। एंड जिन लोग की रक्षाबंधन पे स्काई ब्लू ड्रेस होने वाली है या ड्रेस होने वाली है व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर स्काई ब्लू का मेकअप बहुत अच्छा लगता है, जिनकी स्काई ब्लू उसमें तो है ही ये। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली होने वाली है उनके लिए जिनकी है रक्षाबंधन में व्हाइट ड्रेस या फिर है स्काई ब्लू या फिर है पिंक। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये लुक क्रिएट करा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक, क्योंकि फेस्टिवल है एंड ब्लिंकी और स्पार्कली होता ही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड मोस्टली गर्ल्स को पसंद होता है। इसको ध्यान में रखकर मैंने ये जो लुक है वो क्रिएट करा है एंड आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा है। और अगर ऐसा है कि आपको पसंद आ रहा है तो आपको करना है सिंपली इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, क्योंकि बॉयज करेंगे गर्ल्स को सेंड तो अल्टीमेटली काम हो जाएगा उनका भी। तो फ्रेंड्स, एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री, उसके लिए आप कर रहे हैं रेड कलर बटन प्रेस, उसके बाद एक बेल बटन के आइकन उसको भी टच कर दीजिएगा और बस हो जाएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी मेरी हर वीडियो की। एंड हो सकता है कि मैं इस वीडियो के बाद कोई और सीरीज निकालूं रक्षाबंधन मेकअप की किसी और कलर के साथ, किसी और कलर से इंस्पायर्ड होकर। सो उसके लिए आपको नोटिफाई होना बहुत जरूरी है, उसके लिए करना सब्सक्राइब। एंड यस, मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है, थोड़ी सी बैटरी सी हो रही है, चला चला के हो रही है इस वजह से, तो प्लीज इसको अवॉइड कर दीजिएगा। वैसे भी आवाज इतनी मोटी है और आप और भी ज्यादा मोटी लगने वाली है, प्लीज इसको अवॉइड कर दीजिएगा एंड देखिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंड बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको लग रहा हो जो ठीक है और जो गलत हो गया उसके लिए सॉरी, यस मैंने 100% दिया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्टली पहले सनस्क्रीन एंड देन प्राइमर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए हमें अपना प्राइमर कभी भी रब कर नहीं लगाना चाहिए, हमें इसे पैट करना चाहिए अपने पूरे फेस पर, एक लेयर बना लेनी चाहिए, इसलिए कभी भी रब मत करिएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन और इसको बस मैं एक अच्छे से अपने फेस पर डॉट डॉट बना लूँगी। उसके बाद मैं पूना स्टोर का ब्यूटी स्पॉन्ज से अपने पूरे फेस पर इसको ब्लेंड कर लूंगी इवनली। फ्रेंड्स, में डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आप लोगों के भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो पहले आप फाउंडेशन की लेयर लगाएं एंड देन उसके बाद ही कुछ अप्लाई करें लाइक कंसीलर या कुछ भी। तो पहले फाउंडेशन की लेयर हम अच्छे से लगा लेंगे अपने फेस पर और बहुत अच्छी तरह से टाइम लेते हुए पूरे फेस पर इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि कहीं भी हमारे डार्क पैचेस ना रह जाएं। अब यहाँ पर मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना EDS की कंसीलर स्टिक, इसका प्राइस जस्ट 100 रुपीज़ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टिक लगी मुझे ये, क्योंकि जिनकी डार्क सर्कल्स हैं उन्हें क्या होता है अपने डार्क सर्कल्स भी हाइड करने होते हैं, साथ ही क्या होना है हमें अपने हाईलाइट भी करना है अपना अंडर आई एरिया। तो मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। अब फ्रेंड्स, मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि ये है येलो अंडरटोन में है तो अगर हम इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पर मैं कोई बेकिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन था वो भी मैट था और कंसीलर भी मैट था, तो इसलिए और ये कॉम्पैक्ट भी मैट है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए EDS की आईब्रो पेन ऑफ कैमरा ही कर लिया है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट
और इसमें से मैं ये लाइट येलो कलर लेके इसको एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लेंडर की हेल्प से, और ये डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं अपनी आउटर वी पर प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये ब्लू कलर ले रही हूँ और अब उसके बाद मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से सिर्फ एजेस को डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि सीमलेसली ब्लेंड लगे। अब मैंने जो आउटर वी पर कलर अप्लाई करा था उसी को मैं अपने नीचे लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करना है इसको। उसके बाद मैं वाइट कलर ले रही हूँ और अपनी ब्राउन है तो अच्छा लगेगा। अब काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी अपने लोअर लेयर की काजल, आप चाहें तो कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये न्यू ही खरीदी थी इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। वैसे पर्सनली मुझे काजल लगाना उतना पसंद नहीं है, अब बस मैं सेम वाइट कलर से ही अपना थोड़ा सा नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। अब ब्लश के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ करा है अपना ADS का ब्लश। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ग्लिटर पॉट आते हैं लोकल मार्केट में आपको बहुत ईजिली आराम से मिल जाएंगे, तो मैं ये ब्लू ही कलर ले रही हूँ क्योंकि यही मेरा ड्रेस का मैचिंग है और इसका जो मैंने बेस लगाया था वो भी मैंने ब्लू लगाया था, तो इसको मैं सिंपली अप्लाई कर लूँगी। अब लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर, और फ्रेंड्स जब भी हमें ग्लिटर लगाना है तो हमें उसके ऊपर लिक्विड आईलाइनर ही लगाना है, तो इससे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। तारा के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे का मस्कारा, यहाँ पे मैं कोई फॉल्सेस नहीं लगा रही। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लिए यूज़ कर रही हूँ अपनी NYB की लिपस्टिक, ये मैंने न्यू ही लिपस्टिक ली थी 2-3, तो मैंने इसी को अप्लाई करा है। सो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा है, और अगर ऐसा है कि आपको पसंद आ रहा है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी जो गर्ल्स हैं वो इस रक्षा बंधन पे एक अच्छा रिक्रिएट कर सकें। एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा, जो न्यू है मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दें, रेड लिंक बटन को प्रेस कर उसका बेल आएगी उसको भी टच कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on, hold me close till I get up, time is barely on our side.